राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अब तक आपको जून के महीने का मंथली राशिफल बताया है, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक वालों के लिए। आज मैं बताने आई हूँ तुला और वृश्चिक राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है जून का महीना उनके लिए, कौन से उपाय करके वो अपनी हर परेशानी से निजात पा सकते हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, और विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा जाने वाला है जून का महीना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि वालों के लिए ये महीना जो है परिवार के हिसाब से या व्यवसाय के हिसाब से कह सकते हैं बेहतर जाएगा, और खास करके स्वास्थ्य के हिसाब से भी उनका बेहतर जाएगा। पर कुछ उनकी अंदर जैसे उथल पुथल मच रही है, या किसी बात को लेकर, या वो किसी बात को निरंतर सोचते रहते हैं, या कुछ गलत फहमियों का शिकार हुए हैं, या कुछ अपने मन में ही कोई उन्होंने धारणा किसी तरह की बना ली है किसी के लिए, या किसी रिश्ते के लिए, या किसी कार्य को लेकर, तो उसका उस धारणाओं की वजह से वह तनाव में आ सकते हैं। तो उनसे यही नई सलाह है कि अपने आप को आप प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु में ध्यान लगाइए, जितना हो सके योगा कीजिए, योग साधना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, तो आपके अंदर जो ये उथल पुथल है या जो आपके अंदर जो काल्पनिक अपने आप आपने बना रखी है, तो उसमें आपको निकलने के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आपकी इसी स्थिति की वजह से हो सकता है आपका जो घर का वातावरण है वह थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी ऐसे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी आ रही है, जिसके चलते आपके घर में कुछ खुशनुमा हो सकता है, परिवार बच्चों की तरफ से, पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से, आपको सुखनुमा आपका घर का वातावरण रह सकता है। तो इसीलिए आपसे यही कहा जाएगा, आप अपनी चिंता से मुक्त कीजिए और भगवान के प्रति अपना ध्यान लगाइए, उनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगाइए। साथ ही साथ आपका व्यवसाय बेहतर रहेगा, धन के आगमन रहेंगे, धन के योग बन रहे हैं, धन की वजह से या व्यवसाय की वजह से आपको कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके ग्रह बहुत अनुकूल आपके लिए बैठे हुए हैं, जो ग्रहों की स्थिति है वो काफ़ी आपके लिए अनुकूल है, इस वजह से आपको व्यवसाय में काफ़ी उन्नति होगी। और अगर किसी वजह से आपको लॉस हो रहा है तो कुछ समय के लिए प्रमध्य के बाद आपको उसमें मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, स्वास्थ्य के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बस आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सबसे बेस्ट आपके लिए है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है ये महीना। आपको अपने अंदर कुछ क्रिएटिव्स नज़र आएंगी, आप बोल्ड नज़र आएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए कुल मिलाकर ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उनकी जो उन्होंने स्टडी के लेकर अभी तक तैयारी करी है, उनमें उनको सफलताओं के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो महीना रहेगा तुला राशि वालों के लिए काफ़ी खुशनुमा रहेगा, उनकी सफलताओं के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनके रिश्तों के लिए, हर तरह से उनके लिए बेहतर साबित होने वाला है। पर भी कुछ आपके अंदर जो गलतफहमियों की वजह से आप या गलत धारणाओं की वजह से आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, यही आपको उपाय है, यही आपको सलाह दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कीजिए, नहीं तो कम से आप गायत्री मंत्र का कंटिन्यू जाप करते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी और आपको अपने तनाव से, अपनी गलत धारणाओं से उभरने के लिए मदद मिलेगी। ये था तुला राशि वालों की। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को इस महीने काफ़ी सफलताओं के योग बन रहे हैं, खास करके व्यापारिक वर्ग के लिए। अगर आप कुछ अपना व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी पेशा हैं, तो उसमें आपको हो सकता है पदोन्नति के योग बन रहे हैं, पर अपने बॉस के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ आपको थोड़ा धैर्यपूर्ण अपना बात आपको चलने की आवश्यकता है, धैर्यपूर्ण उनसे बात करने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ बात को लेकर आप उनसे बहस अगर करते हैं या उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या विवाद करते हैं, तो उससे आपका ही लॉस हो सकता है। तो आपको उनसे अगर किसी बात को लेकर बहस होती है या विवाद होता है, तो आपको उनसे दूरी बनाने की आवश्यकता है, ताकि वो बात वहीं पर ही ख़त्म हो जाए और आपके आने वाले समय में कोई अड़चन ना आए। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, पर किसी वजह से अगर आप कोई तनाव में हैं या किसी तनावपूर्ण स्थिति में आप जा रहे हैं या किसी बात को लेकर आप दिन ब दिन सोचते रहते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है या आप तनाव में जा सकते हैं। तो आपको यही सलाह दी जाती है, आप भी मेडिटेशन कीजिए, तनाव में मत रहिए, हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना कार्य में लगाइए, अपने व्यवसाय में लगाइए, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम समय साबित हो सकता है। आपको हो सकता है कोई
आपके घर से दूर जाने की आवश्यकता हो सकता है, जाना पड़ सकता है कार्यों को लेकर। आपका जो पारिवारिक जीवन है वह भी आपका खुशनुमा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका खुशनुमा रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आप अगर कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये महीना काफ़ी उत्तम साबित होगा और साथ ही साथ उनको अपनी जो अब तक उन्होंने तैयारी करी थी एग्ज़ाम को लेकर, तो अगर वे अपनी स्टडी की तरफ सीरियसली हैं तो उनमें उनको सफलताओं के ही योग बन रहे हैं। उन्हें हर प्रकार की मनवांछित इच्छाओं की सफलता प्राप्त होगी। बस उनको लिए यही है कि वो भी मेडिटेशन करें और जितना हो सके प्रभु का स्मरण करें, प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाएं, तो उनका जो एकाग्रता है वह स्टडी की तरफ बनी रहेगी और उनके आगे बढ़ने के योग प्रबल नज़र आ रहे हैं। तो ये था तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृक्ष राशि वालों को क्या करना चाहिए? वृक्ष राशि वालों को ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी की तमाम तरह की परेशानियों दूर होंगी और प्रभु का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपसे आकर लेती है। राधे राधे।